अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये है आपके पास पेज नंबर 99 में चैप्टर नंबर 7, फोर्स एंड प्रेशर। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में। तो इस चैप्टर में जो मेन मेन चीज़ें हमने पढ़नी है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है डिफाइन द टर्म प्रेशर। हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रेशर होता क्या है। आइडेंटिफाई यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम बाई गिविंग एग्जाम्पल्स। इसकी बकायदा एग्जांपल्स आपको यहाँ पे आगे आगे हम स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स की। एक्सप्लेन हाउ गैसेस बिहेव अंडर प्रेशर। हम देखेंगे कि अंडर प्रेशर गैसेस का क्या बिहेवियर होता है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ गैस प्रेशर इन अ कंटेनर, ठीक है। हम देखेंगे कि कंटेनर के अंदर जब गैस का प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्या कॉजेज होते हैं उसके। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स स्प्रेज जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस ऑफ गैस प्रेशर, डिफरेंट गैस प्रेशर की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड डिस्क्राइब द टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन यूज द वर्ड प्रेशर सच एज गैस प्रेशर, वाटर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा। हम लोगों ने अपनी आम जिंदगी में ऐसे बहुत से वर्ड्स सुने होंगे रिलेटेड टू प्रेशर्स हैं, वाटर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट प्रेशर, इट्स रिलेशन विद फोर्स एंड एरिया एंड इट्स एप्लीकेशन। हम इस चैप्टर में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसका फोर्स के साथ और एरिया के साथ क्या रिलेशन है, और साथ में हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास 7.1, प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, कि इन तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है। व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ टैप विद ग्रेटर स्पीड वी से दैट वाटर इज़ फ्लोइंग विद हाई प्रेशर। जब हम देखते हैं कि एक टैप में से जब पानी निकल रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि पानी बहुत प्रेशर के साथ आ रहा होता है। इफ़ वी पुट आवर हैंड पाम अंडर द टैप वाटर स्ट्रीम वी फील अ फोर्स। जब हम अपना हाथ या उंगलियां उसके पानी के नीचे लेके जाएंगे तो हम एक फोर्स फील करेंगे हम, ठीक है। दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ आवर हैंड पाम इज टर्म प्रेशर, ठीक है। वो जो फोर्स आपके हाथों ने महसूस किया है वो क्या है, वो प्रेशर है। थस प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, मतलब कि प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर एरिया, कि एक एरिया में कितनी फोर्स लग रही है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी इसमें फोर्स कम लगेगी, प्रेशर उसमें कम होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा उसमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट ज़्यादा होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग स्टडी करते हैं कि प्रेशर, इसका मैथमेटिकल हमारे पास रिलेशन क्या आता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। मतलब कि अगर आप फोर्स बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, और अगर जब एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, और जो न्यूमेटर में वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ एंड एरिया इज डिनोटेड बाय ए। देन वी अबव इक्वेशन रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन बी सीन दैट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर व्हाइल द लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर। जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बारे में, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे आप फोर्स ज़्यादा बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यही चीज़ उसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की हुई है। इस एग्जांपल आप यहाँ पे एक्टिविटी ली हुई है, तब आपने प्रेशर एक्जर्टेड बाय द सेम फोर्स ऑन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। आपने डिफरेंट एरियाज में फोर्स एक्जर्ट किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्लेट वन और प्लेट टू में, कि जब आपने ट्राइंगल को बिल्कुल स्ट्रेट रखे जब फोर्स की, तो आपको बस ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी और आपके पास जो वर्क डन हुआ वो कम हुआ। लेकिन जब आपने उसको टर्न करके किया तो आपके पास वहाँ पर आपने प्रेशर भी ज़्यादा लगा और उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगी और वर्क डन भी ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यहाँ पर, ये भी इसी की एग्जांपल दी हुई है 7.2 में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप वुमन वेयरिंग हाई हील्स इज एक्सर्ट मोर कारपेटेड फ्लोर हैज कंपेयर टू द मैन हैविंग सम वेट वेयरिंग ब्रॉड हील शूज़, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हम देखते हैं जो फीमेल्स शूज़ इस्तेमाल करती हैं, उसकी हील ज़्यादा होती हैं, वो फ्लोर पे प्रेशर भी ज़्यादा लगा रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ पे कम एरिया लिया होता है। और जिस तरह जब ज़्यादा एरिया होगा, हमारे पास जो मेल शूज़ पहनते हैं उसका एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें वो इतनी प्रेशर नहीं लग रहा होता।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर और पास्कल। तो हमें पता है सिंपल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन और एरिया का होता है हमारे पास मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास टोटल इसका फिर प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लेन है द लास्ट लाइन पर देखें, यहाँ पर इट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ऐसा यूनिट कितना है, कौन सा है उसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है। एंड इट आल्सो नोन एज पास्कल, पास्कल इज नोटेड बाय पीए, तो इसको पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स। ठीक है, व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन इज एक्टेड और एक्ट परपेंडिकुलर ऑन एन एरिया, परपेंडिकुलर मतलब कि जो एरिया होता है वो फोर्स उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है, दी प्रेशर ऑन दिस एरिया विल बी वन न्यूटन। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप वन न्यूटन की फोर्स किसी पे आप लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वन पास्कल का होगा। वन पास्कल इज़ वेरी स्मॉल प्रेशर, अप्रॉक्सीमेटली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 10 रुपी नॉट लाइंग फ्लोट फ्लैट ऑन अ टेबल। फॉर दिस रीजन प्रेशर इज यूजली मेजर्ड इन किलो पास्कल्स, अ बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आप एक वन पार्सल बिल्कुल इसके होता है जिसमें कि 10 रुपीज़ का नोट जो होता है वो आपने एक टेबल पे रखा हुआ है, जितना उसका वजन होता है वो प्रेशर लगा रहा होता है, वन पार्सल उतना होता है। इसलिए वन के पीए के इक्वल किसके इक्वल होता है, 1000 पास्कल के इक्वल। तो हम उसको ये यूनिट यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूनिट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हम उसमें इतना मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। एक एक्टिविटी में आपके पास सिंपल एक न्यूमेरिकल दिया, उसमें से आपको फोर्स और एरिया की वैल्यू दी हुई है और आपने इसमें प्रेशर एग्जैक्ट फाइंड करना है, सिंपल दोनों के वैल्यूज को डिवाइड करके आप इजीली फाइंड कर लोगे। मिनी एक्सरसाइज, ये भी आप स्टूडेंट्स एक बार खुद इसको स्टडी करोगे। नेक्स्ट आपके पास वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर के बारे में इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर का प्रेशर जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, ठीक है, आप उतनी, आप एग्जांपल लेते हैं, एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल के अंदर आपने पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आप एक साइड पे कुछ क्या कर रहे हो, सुराख कर देते हो, जब उनको ओपन ओपन करोगे तो जब सबसे नीचे वाला जो सुराख होगा वहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा और उससे ऊपर वाले में उससे कम और सबसे ऊपर वाले में उससे कम, ये क्या चीज़ होती है, वाटर का प्रेशर होता है। कि डेप्थ से क्या होता है कि इसी तरह से अगर आप किसी फ्लोर एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, वाटर टैंक हमेशा ऊपर लगाया जाता है ताकि वहाँ पे पानी का जो प्रेशर है बिल्कुल मेंटेन रहे, ताकि सबको उसकी सप्लाई मिलती रहे, लेकिन पानी का जो प्रेशर है जो सबसे नीचे वाले फ्लोर में होगा वहाँ सबसे ज़्यादा होगा बजाय इसके कि ऊपर वाले फ्लोर्स के। तो इस पूरे पैराग्राफ में इसने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक कमिंग आउट ऑफ अ टैप ऑन ए ग्राउंड फ्लोर इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप ऑन द अपर स्टोरी ऑफ आवर हाउस। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका कि नीचे वाले फ्लोर पर प्रेशर ज़्यादा होगा ऊपर वाले फ्लोर के नस्बत। एक्चुअली वाटर कंटेन इन अ टैंक एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल, द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक, हाउएवर द वाटर प्रेशर ऑन द टैप डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर, दैट इज़ वाई द वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन द रूफ of a top floor. This pressure is transmitted through the pipes to the tap. We will study different characteristics of water pressure or liquid pressure with the help of the following activities. ये चीज़ें मैं आपको सारी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, जैसे कि ये एक्टिविटी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी तरीके से वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर। ठीक है, जितनी ज़्यादा डेप्थ वाटर की होगी उतनी ज़्यादा उसमें वेटर लोअर साइड पर प्रेशर ज़्यादा होगा। सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है। वी ऑल्सो सी द वाटर कमिंग आउट ऑफ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द बॉटल, दिस शोज ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। इसको परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पर अब आप एग्जाम्पल में देख रहे हो कि जो बॉटल है आपके पास, यहाँ से अब जो वाटर का प्रेशर निकला वो परपेंडिकुलरली निकल रहा है उस बॉटल से। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो फोर्स प्रेशर होता है वो यहाँ पर एक्ट कर रही होती है परपेंडिकुलरली। लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर्स, लिक्विड और फ्लूड्स filled in closed container exert pressure equally in all directions. This can be seen by the following activity. हम देख रहे हैं कि क्लोज कंटेनर के जब आपको लिक्विड होता है तो उसके जो प्रेशर होता है वो ऑल साइड पे सेम तरह से एग्जर्ट हो रहा होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को ज़्यादा आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जितना भी है आपने अच्छे तरीके से याद करना है और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना और पढ़ लेना, क्योंकि इसी में से आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ बन के आएंगे। थैंक यू सो मच।